नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, हरियाणा सरकार की कुछ ताज़ी योजना और घोषणाओं की जानकारी ले आए हैं। 30,000 को जो है सीएम साहब कोथली देने वाले हैं, 10,000 रुपये जो मिलेंगे फार्म शुरू हो चुके हैं, एफपी कार्ड जो है गांव-गांव जो है देने शुरू करे जाएंगे अगर संख्या इतनी होगी, 10वीं और 12वीं पास युवा जो है अपने पैसे के लिए जो है फार्म भरने का काम कर सके हैं जिसके फार्म शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू करने का काम कर दिया है हरियाणा सरकार ने। इच्छुक छात्र जो इस योजना के लिए 28 फरवरी 2025 तक जो है आवेदन करने का काम कर सके हैं। इस योजना के तहत आपको जो है 8 से 12 हज़ार रुपये जो है देने का काम कराया जावा है। अगर किसी भी इच्छुक छात्र के जो है 28 फरवरी 2025 तक जो आवेदन करता है और वो जो है अगर 10वीं क्लास का छात्र है, अगर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, जर्नल है, एससी है, बीसी है, तो वो सभी के सभी साथी जो भी इसके अंदर फार्म अप्लाई करने का काम कर सके हैं। 10वीं में 60%, 12वीं में 70% और स्नातक में 60% अंक होने चाहिए, ठीक है। और छात्रों के जो 10वीं में हैं 70%, 12वीं में 75% और स्नातक में 65% होने ज़रूरी है। और जो 12वीं का बच्चा है वो जनरल कैटेगरी का ना हो, बाकी और किसी भी कैटेगरी का हो, तो वो सभी के सभी जो है इसके अंदर फार्म भर सकें। 8 से 12 हज़ार रुपये आपको इसके अंदर मिलेंगे। डोमिसाइल होना चाहिए, स्वयं के बैंक खाते की कॉपी, जाति प्रमाण पत्र और अगली कक्षा का आईडी कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और वार्षिक आय जो है 4 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, तो वो सारे के सारे जो भी इसके अंदर जो है फार्म भरने का काम कर सके हैं, जिसके फार्म 1 अगस्त 2024 से शुरू हो चुके हैं। उससे आगे खबर आई है भाई एपी कार्ड को लेके। हरियाणा सरकार ने योजना बनाई है कि 1000 किलोमीटर लग फ्री यात्रा दी जाओगी गरीब परिवारों को जिसकी इनकम 1 लाख रुपये से कम है। भिवानी में कुल 61,538 कार्ड बनाए गए, जिसमें से 37,251 कार्ड वितरित करने का काम कर दिया गया भाई भिवानी जिले के जितने भी साथी हैं। तो भी यहाँ पे बताया कि 11 बस जो भाई लीज पर हैं और तो शाम सब डिपो में 44 बसें हैं, तो इस प्रकार से इन बसों के अंदर जो भाई यात्रा करने का काम कर सके हैं 1000 किलोमीटर लगे। और उससे आगे बात कर लिया साथियों भाई, हिसार जिले से खबर आई है कि जिस गांव के 50 से अधिक एपी कार्ड होंगे वहाँ पहुँच कर ही बांटेंगे कर्मचारी। यानी कि भाई अगर आपके एपी कार्ड की संख्या आपके गाँव में 50 से ज़्यादा हो चुकी है और आपके गांव से कोई लेने नहीं गया है, तो इस केस में जो है भाई आपके गांव में जो है ऑफिसर जाएंगे और वहां पे आपको बुला के ये कार्ड जो है देने का काम कराया जाओगा। 50 से अधिक एपी कार्ड जारी हुए हैं, इसके लिए रोडवेज कर्मचारी ड्यूटी लगाई है। इसके लिए 4 टीमों का गठन किया गया है, 1 टीम में 6 सदस्य होंगे। इसके साथ साथ जिले के आसपास गाँव के बस अड्डों पर भी एपी कार्ड वितरित करने का काम कराया जाओगा। अब जैसे भाई आपका जो है बरवाड़ा, अग्रवा, शाड़ुआ, उकलाना, खरड, अलीपुर, पावड़ा के बस स्टैंड शामिल हैं, तो यहाँ पे भी जो है सरपंच से विचार विमर्श कर जगह जैसे स्कूल, ग्राम सचिवालय, धर्मशाला या चौपाल का भी जो है चयन कराया जा सका है। और उससे आगे बात कर लें साथियों भाई कि DHVN और UHVN विभाग के द्वारा जो है बिजली के बिला के अंदर जो है भाई माफ़ी करने की जो योजना चलाई है, आपका सरचार्ज माफ़ कराया जाओगा। यानी कि आप जो है पीछे से अगर डिफाल्टर थे और आपका ब्याज व ब्याज लग रहा है, तो वो ब्याज जो है माफ़ी की योजना आ चुकी है। दिसंबर 2023 लग का कोई भी डिफाल्टर है जिसने बिल जमा नहीं करवाया है, सरचार्ज माफ़ी योजना 2024 शुरू हो चुकी है। एक राशि मुफ्त जो है फिर आपको जो है 3 किस्तों के अंदर जो है इसका पैसा देने का काम कराया जाओगा। 3 किस्तों में इसके पैसे आपको मिलेंगे, तभी जो है आपको इस स्कीम का जो है बेनिफिट दिया जाओगा। 3 मासिक 2 मासिक जो है बिलों की लगातार अदायगी के अनुपात में माफ़ कर दिया जाओगा, जिसके तहत भाई इसी प्रकार के जो भी यानी कि स्कीम आप साथियों लोग जो है लेके आते रहो वहाँ, और आवेदक को जो है नए कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा। और उससे आगे बात कर लें साथियों, विद्यालय शिक्षा निदेशालय के द्वारा हरियाणा तीज के अवसर पर होने वाले स्थानीय अवकाश को बदलाव करने का काम कर दिया है। अभी जो है अवकाश 7-8-2024 को होगा, यानी कि इस दिन जो है मुख्यमंत्री साहब जींद के अंदर जो अनाज मंडी है वहाँ पे जो है कोथली का प्रोग्राम कर रखा है। वहाँ पे 1000ों की संख्या में जो है महिलाओं को बुलाने का काम किया गया है, जिनको जो है कोथली देने का काम
करेंगे। तो इस प्रकार से देख लीजिए भाई, यहाँ पे जो है 7 अगस्त को तीज महोत्सव मनाया जाएगा। यहाँ पे जो है रोडवेज रूट भी तैयार करे गए हैं, महिलाओं के लिए जो खाने पीने की व्यवस्था वो भी करी गई है। तो 30,000 महिलाएँ यहाँ पर पहुँचेंगी, जिसको जो है मुख्यमंत्री साहब जो है कोथली देने का काम करेंगे, जिसके लिए जो है स्पेशल यहाँ पर लिख दिया कि 7 अगस्त 2024 को जींद में मनाया जाएगा राज्य स्तरीय तीज महोत्सव। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो भी इसके मुख्य अतिथि रहेंगे। यहाँ पे जो भी महिलाएं आभूषण दामन कुर्ते चुनरी व ड्रेस में बढ़ाएंगी महोत्सव की शोभा। तो यहाँ पे जो भी मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि 25,000 महिलाओं को जो है आमंत्रित करने का काम किया जाओगा। तो इस प्रकार से आप साथियों जो भी यही ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए थे। आप साथियों वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।